नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जो खबर खगड़िया से आ रही है, जहां स्कूल की दीवार गिरने से 6 की मौत हो गई है जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर है। घटना महेश खुंड थाना क्षेत्र के चंडी टोला गांव की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चंडी टोला स्थित स्कूल के पास नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नाले के निर्माण को लेकर ही जेसीबी से खुदाई की जा रही थी, इसी दौरान स्कूल की दीवार गिर गई। मरने वालों में सभी मजदूर हैं जो नाला के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। लोगों का कहना है कि लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। नाले का निर्माण ग्रामीण अपने सहयोग से ही करवा रहे थे। फिलहाल मौके पर डीएसपी पहुंच चुके हैं और डीएम भी कुछ देर में पहुंच सकते हैं। अब कुछ खबर राजनीतिक जगत की। बिहार विधान परिषद में सोमवार को सवाल जवाब के दौरान अजीबोगरीब स्थिति उस वक्त देखने को मिली जब सभापति की भूमिका में बिहार के सीएम नीतीश कुमार नजर आए। दरअसल आरजेडी नेता सुबोध कुमार ने सीएम के जवाब देने के दौरान अचानक सवाल पूछ लिया। इससे नाराज सीएम भड़क गए और आरजेडी नेता को कहा कि नियम नहीं जानते और बोले जा रहे हो। इतना ही नहीं, उन्होंने सुबोध कुमार को चुप होकर बैठने की सलाह भी दी। वहीं सीएम की नसीहत आरजेडी एमएलसी सुबोध राय को रास नहीं आई। सदन से बाहर निकलते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोला और कहा कि सीएम साहब की अब उम्र भी हो गई है, ऐसे में उनका हल्ला करना लाजमी है। हम तो सिर्फ आईना ही दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल पूछना मेरा दायित्व है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कोई तरीका है? भैया हम लोग आईना दिखा रहे हैं ना, नीचे कौन है? दिखाने में आईना देखने में उनको डर लग रहा है। मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, मुख्यमंत्री जी अपने उम्र के पड़ाव। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री मुकेश सहनी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से पत्र जारी करते हैं और उसका पालन कोई नहीं करता है। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि सभी विधायकों और मंत्रियों का अधिकारी सम्मान करें। साथ ही उन्होंने मुकेश सहनी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिलाने के लिए पत्र जारी करते हैं, लेकिन इनके कोई भी पदाधिकारी उस पत्र को नहीं मानते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। सरकार कमजोर है और सरकार नहीं चाहती है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिले, क्योंकि हम ही एक व्यक्ति हैं जो माननीय मुख्यमंत्री उस समय महागठबंधन की सरकार थी। सोमवार को विधानसभा परिसर में भाकपा माले के विधायकों ने हाथों में बैनर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। विधायकों ने दलितों को आवास मुहैया कराने, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और मनरेगा में मजदूरों को उचित मानदेय देने संबंधी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सभी ने नीतीश सरकार पर शराब माफियाओं को बचाने और दलितों को फंसाने का आरोप लगाया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू पर अन्य पार्टियों में फूट डालने का आरोप लगाया है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने वाली बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जेडीयू दूसरे दलों को तोड़कर अपनी पार्टी में विलय करने की कोशिश कर रही है, जबकि 15 सालों में सत्ता में रहने के बावजूद जेडीयू अपना जनाधार खो चुकी है। जेडीयू जब से 3 नंबर की पार्टी बनी है, लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह से दूसरे दलों के नेताओं को विलय करा के, तोड़कर शामिल करा के अपनी ताकत बढ़ाएं, लेकिन जनता का साथ छूट चुका है। 3 नंबर की पार्टी है जेडीयू, अब आरएलएसपी को साधने की कोशिश कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का प्रयास चल रहा है। इससे भी खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ जिले के गोला में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत से कोहराम मच गया। दरअसल मगनपुर गांव में मुस्ताक अंसारी के परिवार के 3 बच्चे डोभा में नहाने के दौरान डूब गए, जिससे 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में मुस्ताक अंसारी के 2 बच्चे और उनकी बहन की 1 बच्चा शामिल है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है।
बोला प्रखंड के मगनपुर में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसमें कि एक ही परिवार के 3 बच्चे की डोभा में गिरने से मौत हो गई, जो कि काफी दुखद घटना है और पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। यहाँ के 3 बच्चे यहाँ गांव से बाहर डोभा में खेलने गए थे, उसी क्रम में पहले एक बच्चा फिसल गया जो हम लोग की जानकारी मिल रही है, और उसके पश्चात उनको बचाने गए 2 और बच्चे डोभा में चले गए गहरे पानी में और 3 बच्चों की डूबने। किशनगंज में भीषण सड़क हादसे में एक बच्ची सहित 3 बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। डंपर और बाइक की सीधी टक्कर में यह हादसा हुआ है जिसमें सवार 3 बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने डंपर के ड्राइवर को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना ठाकुरगंज में उस वक्त हुई जब 3 बहनें बाइक से अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी सामने से आ रही डंपर से सीधी भिड़ंत हो गई। इस घटना में बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने चंद पैसों की खातिर नवजात बच्ची को मां से अलग कर दिया। दरअसल आरोपी महिला ने गांव की एक महिला को प्रसव के लिए बहला फुसला कर एक निजी क्लिनिक में ले गई और बच्ची पैदा होने के बाद वैक्सीन दिलाने के बहाने नवजात को लेकर फरार हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर नवजात बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी महिला के साथ कई लोगों की संलिप्तता की बात भी पता चली है। मोतीपुर की रहने वाली झुनिया देवी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। यहाँ न्यू स्टेशन रोड में शारदा हॉस्पिटल है, उसने बच्चे को ले लिया टीका दिलाने के बहाने और मतलब उसे ऑटो में बैठा दिया गाँव जाने के लिए। जब झुनिया देवी वापस अपने घर पहुंचती है तो उसे बच्ची नहीं मिलती है। नालंदा में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना दीपनगर थाना इलाके के जोरारपुर गांव की है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि मृतक 19 वर्षीय आशीष कुमार एक समारोह के दौरान घर लौट रहा था, उसी दौरान रास्ते में ही अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मार दी। वहीं पुलिस का कहना है कि सिगरेट पीने को लेकर गांव के कुछ युवकों में विवाद हुआ था, इसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है। पुलिस तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हम लोगों के गोली की आवाज आया तो हम लोग दौड़े तो वहाँ पे देखे कि पूरा खून से लथपथ था ये। उसके बाद उठा के लाए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भर्ती नहीं लिया, उसके बाद यहाँ लाए। कितना गोली लगा? एक गोली लगा, हाथ में भी है नहीं, एक ही गोली छू के निकला। सर ये लोग फंक्शन से सवार आ था, उसके बाद फिर एकाएक मतलब कि बाहर निकला था गांव से मतलब घूमने के लिए। तो मोतिहारी के रकाशा रहीमपुर गांव में मजदूरी का पैसा मांगने गए मजदूर मोहम्मद निजामुद्दीन की गांव के ही लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। इस घटना के बाद मृतक निजामुद्दीन की पत्नी मेरे राज खातू ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करा दी है। परिजनों ने गाँव के ही शेख सोहैब और अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि मोतिहारी की खबर है, जहां मजदूर को मजदूरी मांगने की सजा मिली और कुछ लोगों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। मृतक अकेला अपने घर की रोजी रोटी के लिए मजदूरी करता था और हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में बीते महीने की 16 तारीख से लापता 5 वर्षीय खुशी का पता लगाने में पुलिस नाकाम रही है। बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए परिजन और स्थानीय लोग पिछले 5 दिनों से समाहरणालय स्थित धरनास्थल पर आमरण अनशन कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए एसआईटी का गठन करवाने का आश्वासन दिया और अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। दरअसल 16 फरवरी को खुशी घर के पास खेल रही थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। मामले की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।